पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल लोकसभा सीट के लिए मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा में देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संभल प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और मंच से बोलते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले फेज का चुनाव निपटते ही सभी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित तीनों प्रदेशों में भी तो ईवीएम से चुनाव हुए थे और वो लोग चुनाव जीत चुके हैं। विधानसभा के समय में सब ठीक थी, आप कह रहे हैं कि सब गड़बड़ है। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के सामने ठहर जाए और गठबंधन तो मोदी आंधी से डरकर बना हुआ है। नकारात्मक सोच के चलते गठबंधन बना है, सारी भ्रष्टाचार में डूबी राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन बनाया है। प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, वो कोई व्यक्ति नहीं होता, एक संवैधानिक पद है। राहुल द्वारा मोदी को चोर कहा जा रहा है। कांग्रेस को सब अच्छी तरह जानते हैं, उनके कार्यकाल में कई घोटाले सामने आए थे जिसके चलते नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था। देश का चौकीदार चोर नहीं है, वो प्योर है जिसका पीएम बनना श्योर है। 2014 में जो भारत 9वें स्थान पर था, अब वो 6ठे स्थान पर आ गया है। 2031 तक आते आते रूस जैसी शक्तियों के साथ खड़ा हो जाएगा। पीएम को गाली दी जाती है, ये एक शर्मनाक बात है। 2008 में कांग्रेस सरकार में गरीबों के कम मकान बने थे, जबकि भाजपा सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा मकान बना कर दिए हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को जो वो 6000 रुपया दो हेक्टेयर से कम वाले किसानों को मिलने वाला था, मिल गया? मिला है कुछ लोगों को, कुछ लोग रह गए होंगे, हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सभी लोगों ने कहा कि मिल गया, मिल गया, कहा कि मिल गया, मिल गया। मेरी बात आप सुन लीजिए, पहले 2 हेक्टेयर से कम, पहले 2 हेक्टेयर से कम वालों के लिए। मेरे भाइयों, इस बार जो संकल्प पत्र तैयार हुआ है, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, उसकी कमेटी का चेयरमैन नहीं, प्रधानमंत्री जी से बात हुई, अध्यक्ष जी से बात हुई, सबने सहमति दी। और भाइयों, अब हम लोगों ने कहा 2 हेक्टेयर आगे पीछे छोड़ो, चाहे 2 हेक्टेयर से कम हो, चाहे 2 हेक्टेयर से अधिक हो, यदि किसान है तो 6000 रुपया उसके खाते में डाल। ये चलेगा। वहां जो खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये चलेगा भैया ऊपर वहां खड़े? आप लोग हाथ उठाकर बताइए। अच्छा ये बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड आप लोग लेते हैं, लिए हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, वहां जो खड़े हैं आप लोग हाथ उठाइए, लिए हैं? अच्छा उस पर जो कर्ज लेते हैं, कितना ब्याज देना पड़ता है, कितना सूद देते हैं? 4%। अब मेरी बात सुन लो, अगली बार हमारी सरकार आ रही है, बहनों भाइयों, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा, हमारी सरकार आ रही है, सरकार आने के बाद 1 लाख रुपए तक का जो किसान क्रेडिट कार्ड पर आप कर्ज लेंगे, 5 वर्षों तक 0% ब्याज आपको देना। लघु और सीमांत किसान, लघु और सीमांत किसान, अरे भाइयों, मैं जानता हूं खेत में काम करते करते, परिश्रम करते करते 50 साल में जरूरी पड़ जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। हम लोगों ने फैसला किया, सबको पेंशन मिलती है, नौकरी करने वालों को, किसान को क्यों नहीं मिलती? हम लोगों ने तय किया 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद जो हमारे छोटे किसान है, लघु और सीमांत किसान है, उनको भी हम पेंशन की सुविधा मुहैया करें। छोटे दुकानदारों को भी हम पेंशन दें, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि कोई अधिकारी किसी भी व्यापारी के साथ कोई ज्यादती करे तो सीधे वह व्यापारी जो आयोग बना है, आयोग में शिकायत कर सके, आयोग को यानी कष्टकार प्राप्त होगा, वह उस अधिकारी को दंडित कर सकता है, यह भी कर रहे हैं। तो यही तो बहनों भाइयों,
और हमारे हामिद शेख हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, वो आए थे। और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोग ठीक ठाक हैं सर? इधर जो खड़े हैं आप सब लोग भी ठीक हैं? बहनों भाइयों, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, लेकिन स्वागत और अभिनंदन एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहन भाइयों, यदि मैं आज आपके बीच आया हूं परमेश्वर लाल सैनी के लिए, आपने परमेश्वर सैनी को बोलते हुए सुना, वैसे देखने में बहुत दुबले पतले, और चाहिए सांसद तो ऐसे चाहिए, बहुत यानी हट्टा कट्टा नहीं, सांसद मिल गया तो गड़बड़ है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं जब बोल रहे थे परमेश्वर जी, तो मैं परमेश्वर जी को नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था और इनकी बात को मैं सुन रहा, और इनको देखने के बाद और सुनने के बाद, और जितना मैं परमेश्वर लाल सैनी के बारे में मैं जानता हूं, बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका कैंडिडेट 10-20 कैरेट का नहीं है, बल्कि आपका कैंडिडेट 24 कैरेट का है मेरे बहनों भाइयों, 24 कैरेट। और उसी 24 कैरेट वाले कैंडिडेट परमेश्वर लाल सैनी के लिए आया। आपने देखा कि अभी पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है 11 तारीख, और यह मतदान संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस सहित सपा बसपा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़। बहन भाइयों, आपने समझ लिया होगा कि मतदान होने के बाद ईवीएम में गड़बड़ है। अब उन्हें यह मालूम हो गया, हवा का रुख क्या है, हवा किधर की ओर चल रही है, और उन्हें केवल हवा का रुख ही नहीं, उनको लगे आंधी का रुख किधर है। बहनों भाई, आंधी का रुख, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी ईवीएम में, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये जीते थे उसी महीनों पहले, तब ईवीएम गड़बड़ नहीं थी, लेकिन अब यदि दोबारा 2/3 बहुमत से हमारी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है तो हम ईवीएम गड़बड़। यानी ये लोग चुनाव जीत जाए, यदि ये लोग चुनाव जीत जाए तो लोकतंत्र जीत गया, और ये चुनाव हार जाए ईवीएम गड़बड़। और बहनों भाइयों, यहां पर उत्तर प्रदेश में अकेले किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ ले। अब इन्होंने गठबंधन कर लिया, मन में गांठ है, फिर भी गठबंधन हो गया, क्योंकि इस हकीकत को जानते हैं कि अकेले अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, इस मोदी की आंधी में हम बिल्कुल तिनके की तरह उड़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने गठबंधन कर लिया। मैं इस सभा के, इस विशाल सभा के माध्यम से जो वहां खड़े हैं, मैं उनसे भी और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, क्यों आप लोगों ने गठबंधन, केवल इसीलिए कि मोदी को रोको, मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? बहनों भाइयों, नकारात्मक सोच के आधार पर यदि कोई गठबंधन होता है अथवा कोई काम किया जाता है, जो कामयाबी हासिल होनी चाहिए वह कामयाबी किसी भी सूरत में हासिल नहीं हो सकती। बड़ी कामयाबी यदि हासिल होती है तो सकारात्मक सोच के आधार पर ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है। मोदी को केवल इस उद्देश्य से सारी राजनीतिक पार्टियों ने परस्पर गठबंधन कर लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि
आप क्यों मोदी को रोकना चाहते हैं, मोदी ने क्या अपराध कर दिया? भाइयों, ये मोदी को गाली दे रहे, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही, देश की जनता इसे बर्दाश्त करी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरे बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहे जो भी बन जाए, यह व्यक्ति नहीं होते हैं, यह संस्था होते हैं। संस्थाओं की गरिमा लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनाकर रखना, उनकी प्रतिष्ठा किसी भी सूरत में गिरने न पाए, यह सुनिश्चित करना केवल राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उस प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा, चौकीदार चोर है, भाइयों आप जानते हैं कि हमारा देश इस समय देश का चौकीदार चोर हो सकता है। इसने 2014 में अपने दमखम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत भारत की संसद में दिलाई है। लगातार 15 वर्षों तक जो गुजरात का मुख्यमंत्री बना था और जिस गुजरात ने ऐसा करिश्माई काम किया, गुजरात मॉडल बन गया सारे हिंदुस्तान के लिए विकास का मार्ग, उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही। कांग्रेस को अच्छी तरह आप जानते, ज्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहता, ज्यादा पीछे नहीं मैं ले जाऊंगा, जीत कांड बफोर्स कांड कौन कौन से घोटाले इनके साथ संभाल में। 2014 के पहले के 10 वर्षों के इतिहास की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता, आपने देखा कि कांग्रेस के मंत्रियों पर केवल भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी, ये लोग उंगली उठा रहे। मेरे भाइयों, मैंने कह दिया था इस समय देश का चौकीदार चोर नहीं है, बल्कि इस देश का चौकीदार प्योर है। मेरे बहनों भाई, दोबारा उसका पीएम बनना श्योर है और चारों तरफ यही शोर है, मोदी वंश बोर है। बहनों भाइयों, ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए जो संस्थाओं की गरिमा प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने बहनों भाइयों 5 वर्षों के अंदर इस देश में करिश्माई काम किया, भारत ही नहीं सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मानी जानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसने कहा जो भारत 2014 के पहले दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता, आज भारत ने वह ऊंचाई हासिल कर ली है कि दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जिस देश की है वो हमारे आपके देश भारत की है। बहनों भाइयों, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सच्चाई को स्वीकार किया और यह भी कहा 2014 में जो भारत दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर था, आज वह भारत 5 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर 6वें स्थान पर आ गया है और कुछ ही महीनों के बाद, कुछ साल के बाद नहीं, कुछ ही महीनों के बाद यही भारत बहनों भाइयों दुनिया के टॉप 10 देशों में 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा। आपको मैं विश्वास दिला दूं, सारी दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने माना है, ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा, कई सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। 2030-2031 आते आते बहनों भाइयों, रूस चीन अमेरिका में से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत इतनी तेजी के साथ और उस प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, गांव में भी जो अपशब्दों का प्रयोग करता है, जो गाली देता है, उसे क्या कहा जाता है, अच्छी तरह जाए। अब यहां के लोग क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता। हेलो भाइयों, हर प्रधानमंत्री के अपने काम करने के
मैं आपको उदाहरण दूंगा, यदि बहुत सारे मैं उदाहरण दूंगा तो लंबा समय लगेगा। उसी उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जैसे यहां पर कांग्रेस की सरकार 2008 से लेकर 2014 तक बहनों भाइयों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस समय केवल 25 लाख मकान बने थे और लोगों को आवंटित किए गए। लेकिन हमारी सरकार जो बनी 2014 में 5 वर्षों के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कांग्रेस के शासन काल में केवल 25 लाख आवास बने, लेकिन हम लोगों के 5 वर्षों के शासन काल में 1,30,00,000 आवास बनाकर हम लोगों ने जनता के हवाले। यह काम करने की हम लोगों की दैनी, इतना ही नहीं 1947 से लेकर 2014 तक 50% बैंक खाते खुले थे भारत में, और 50% परिवारों के बैंक खाते और बैंक अकाउंट अन्य लोगों का नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में हर परिवार का 100% बैंक अकाउंट खोलने में कामयाबी हासिल की। 1947 से लेकर 2014 तक केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन लोगों के पास थे, और हम लोगों ने 5 वर्षों के अंदर ही 13 करोड़ गैस कनेक्शन लोगों को मुहैया कराने में कामयाबी हासिल की। यही हम लोगों ने अपराध किया, यही हम लोगों ने चोरी। इस समय बैंक अकाउंट खुल रहा था, आपको भी शायद यह अनुमान नहीं रहा होगा कि अकाउंट क्यों खोला जाए। लोग कहते थे अकाउंट खुल कर क्या, खोल कर क्या होगा, परमेश्वर क्या बैठे आप बैठे, यह अकाउंट खोलने से क्या लाभ है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं बहनों भाइयों, पहले चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, चाहे कोई सब्सिडी, पहले आपके पास बिचौलियों के माध्यम से आधी अधूरी और धनराशि पहुंचती थी। लेकिन जब से हम लोगों ने बैंकों का खाता खोल दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया, अब जो कुछ भी आपको सहायता देनी होती है वह दिल्ली के बैंक के खाते से निकलता है, और आपके गांव के बगल का जो बैंक है उस बैंक में आपका जो खाता है आपके खाते में पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 वर्षों के अंदर 1,10,000 करोड़ रुपए की बहनों भाइयों हम लोगों ने बचत की है। 1,10,000 करोड़ प्लस 10,000